उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने आज हरोली क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित बाथू बाथरी क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। हुमखड में आए तेज बहाव से जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ से क्षेत्र की कई फैक्ट्रियों एवं लोगों के घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। सड़क, बिजली एवं पेयजल योजनाओं की भारी क्षति हुई है। अधिकारी क्षतिग्रस्त योजनाओं को बहाल करने में लगे हैं। अब तक हादसे में 3 लोगों की जाने गई हैं। पिछले कल से ही प्रशासन मुस्तैदी के साथ राहत बचाव एवं पुनर्वास के कार्य में जुटा है। प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी। किया जाएगा कि कितना टोटलिटी में है वो तो रेवेन्यू अथॉरिटीज, डिप्टी कमिश्नर और इनके जो भी लोग हैं वो इसका आकलन करेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। और क्योंकि जो रूट है इसका इस नदी का हुमखड का जो खड का रूट है वो समहाउ कहीं रोका गया है या रुक गया है, जिससे कि वो बाइफर्केट हो जा रही है हर तरफ को। तो एक तो वो देखेंगे, और अब हमारे ऑफिसर यहाँ पे हैं, एससी आईपीएच एंड एक्सएन आईपीएच और डिप्टी कमिश्नर साहब मीटिंग लेंगे, क्योंकि अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारी डिवीजन्स हैं, पानी बिजली सड़क की सारी डिवीजन्स हैं। वो ऑफिसर्स के साथ बैठ के कि एक तो अभी बड़े लंबे अरसे के बाद यहाँ पानी आया, 2007 के आसपास एक बार आया था तो अब आया है, और डैमेज तो हुआ है। जैसे हम अभी प्रीतिका में गए थे, अब उनकी सारी फैक्ट्री जो है डैमेज हुई है, और वहाँ पे 700 लोग काम करते हैं और 1.25 करोड़ रुपए के आसपास उनका सैलरी का बिल है, या 1.5 करोड़ रुपया उनका बिजली का बिल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मशीनरी कितने 100 करोड़ के आसपास की वो फैक्ट्री है। फिर आगे ये सरिये की फैक्ट्री है, और इंडियन ऑयल वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब लोगों के अपने अपने ग्रीवेंसीज हैं, अपने अपने तरीके से लोग बता रहे हैं। एक तो जो अब जैसे ये पेट्रोल पंप डैमेज हुआ है, और क्योंकि उस तरफ से जहाँ से खटका रूट आना है वो चौकड़ा है, तो वो दूसरी तरफ भी आ गया। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये जो खटका रूट है उस पे फैक्ट्रियां पड़ गई हैं और रूट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि माइनिंग बीच में हो रही है बड़े पैमाने पे, माइनिंग को वो लोग तो कुछ लोग कारण बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडियन ऑयल वाले जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो अभी हम देखेंगे क्या काम कर रहे हैं, किस ढंग से वो इसमें हर्डल है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।